तो अब हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण जो मानवशास्त्रीय सिद्धांत है जो कि हमारे सिलेबस में है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, राइट, इसकी हिंदी होती है ऐतिहासिक विशिष्टतावाद, ऐतिहासिक विशिष्टतावाद। राइट का अध्ययन करेंगे और इस अवधारणा का प्रतिपादन फ्रिंज वास ने किया है। राइट, फ्रिंज वास। तो पहला चीज तो ये ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक विशिष्टतावाद या हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का जो सिद्धांत है या जो अवधारणा है, इस अवधारणा का प्रतिपादन फ्रिंज वास ने किया है। फ्रिंज वास का परिचय क्या है कि ये बाई प्रोफेशन भूगोलवेत्ता थे, राइट, इनका बैकग्राउंड क्या था कि ये एक भूगोलवेत्ता थे, ये जर्मन नागरिक थे एंड सिटीजनशिप इनका था जर्मनी का, और ये माने जाते हैं अमेरिकी मानव शास्त्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेरिका में अध्ययन किया था। राइट, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि फ्रिंज वास एक भूगोलवेत्ता थे और मूल रूप से जर्मनी के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका में मानवशास्त्री अध्ययन किया है और इसलिए फ्रिंज वास को माना जाता है कि वे एक अमेरिकी मानवशास्त्री थे। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रिंज वास का जो ऐतिहासिक विशिष्टतावाद है की अवधारणा, इस अवधारणा को समझने के लिए तीन प्रमुख जो है फ्रिंज वास के वर्क हैं उसको याद रखना है। पहला जो है लिमिटेशंस ऑफ, इसको अंग्रेजी में याद रखना है, लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। ये 1896 में इस पुस्तक की रचना ये करते हैं। दूसरा हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये 1904 ईस्वी में इनकी पुस्तक आती है। और तीसरा क्वाक्यूटल इथनोग्राफी, ये 1908 ईस्वी में आती है। तो तीन वर्ग को आप याद रखेंगे और ये जो पुस्तकें हैं इन्हीं के माध्यम से इन्होंने संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। राइट, तो इनका मानवशास्त्र में क्या योगदान है या ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा क्या है, इसको हम लोग इन्हीं के आधार पर समझते हैं। लेकिन ये जो इनकी पुस्तकें हैं इसमें वास्तव में फ्रिंज वास ने जो ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो इस अवधारणा का प्रतिपादन, राइट, इस अवधारणा का प्रतिपादन उन्होंने शास्त्रीय उद्विकासवाद के सिद्धांत की आलोचना में किया है।
एक पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि ही वॉज क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, ही हैड डन क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। तो सांस्कृतिक उद्विकासवाद के सिद्धांत के एक कठोर आलोचक थे और उसकी आलोचना के क्रम में ही फ्रेंज बोआस ने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अब शास्त्रीय उद्विकासवाद के जो सिद्धांत थे इसके तीन प्रमुख चीज़ों की ये आलोचना करते हैं। एक तो एक रेखीय उद्विकासवाद की जो संकल्पना है की आलोचना, दूसरा मानव मस्तिष्क में समानता या एकता की आलोचना, एकता की अवधारणा की आलोचना, यानी कि क्रिटिक्स ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और तीसरा तुलनात्मक पद्धति की आलोचना। यानी कि हमें ये लिखना होता है जब हम फ्रेंच वास के ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा की आलोचना करते हैं तो ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन है फ्रेंच वास का, तो इसका प्रतिपादन इन्होंने शास्त्रीय उद्विकासवाद के इस तीन प्रमुख जो अवधारणा है इसकी आलोचना के क्रम में किया। पहला चीज ध्यान ही रखना। दूसरा चीज इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच बोआस के बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैड डन इथनोग्राफी इन क्वाक्यूटल इंडियन ट्राइब ऑफ अमेरिका। यानी कि मानव विज्ञान में निर्जाति वर्णन शास्त्र की अवधारणा, यानी मानव विज्ञान के अंतर्गत जनजातियों के बीच जाकर और उनका अध्ययन करना, फील्डवर्क मेथड का एप्लीकेशन करना, ये फ्रेंच बोआस का इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, राइट? क्योंकि फ्रेंच बोआस ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति, क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति, इसके बीच क्या किया, क्षेत्र कार्य किया, फील्ड वर्क किया। और एंथ्रोपोलॉजी में फ्रेंच बोआस ने फील्ड वर्क के संदर्भ में, जो फील्ड वर्क है इसके संदर्भ में कुछ मान्यताएं स्थापित की, जिसमें फ्रेंच बोआस ने कहा कि अगर हमें किसी भी संस्कृति का अध्ययन करना है तो हमें जिस संस्कृति का अध्ययन करते हैं उस संस्कृति के लोगों की भाषा आनी चाहिए। यानी इन्होंने मानव शास्त्रीय अनुसंधान में भाषा के महत्व को स्थापित किया। पहला इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर कोई मानव शास्त्री किसी जनजातीय समाज का अध्ययन करना चाहता है तो जब तक के मानव शास्त्री उस जनजातीय समाज की भाषा को नहीं सीखता है तब तक के मानव शास्त्री उस समाज या उस संस्कृति को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जब ये फील्डवर्क करते हैं तो ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मानव वैज्ञानिक के लिए है कि आप जिस समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस संस्कृति के लोगों की भाषा आपको आनी चाहिए। इसलिए इन्होंने लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंस को एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में स्थापित करने का काम किया। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। और लगभग उसके बाद एक तरह से स्थापित मानदंड बन गया कि अगर आप किसी जनजाति में मानव शास्त्रीय अनुसंधान करते हैं तो आपको उस संस्कृति के, उस समाज के लोगों की भाषा सबसे पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि आप उनसे उनकी भाषा में बात कीजिए और जब आप उनकी भाषा में बात करेंगे तब
तब जाकर के उनकी संस्कृति को उनके नज़रिए से आप समझने में सक्षम होंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि इमिक अप्रोच, ये अंग्रेजी ही मैं लिख रहा हूँ, राइट, यानी किसी संस्कृति का जब आप अध्ययन करते हैं तो उस संस्कृति के लोगों का अध्ययन एमिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। हिंदी में आप एमिक दृष्टिकोण लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि संस्कृति का अध्ययन अध्ययन किए जाने वाले समाज के लोगों के विश्व दृष्टि के अनुरूप होना चाहिए, विश्व दृष्टि के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी कि एक जो जनजातीय समाज के लोग हैं वे अपनी संस्कृति को किस रूप में देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा शास्त्रीय उद्विकासवाद के अंतर्गत, तो उनकी मान्यता थी कि जनजातीय लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, और जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने स्थापित किया था कि यूरोप पे जो है सभ्यता की अवस्था पर है, और गैर यूरो अमेरिकन जो समाज है वो या तो असभ्य अवस्था पर है या बर्बर अवस्था पर है। फ्रेंच वास्कर हैं कि ये इस कारण से है क्योंकि यूरोपियन लोग या जो मानव शास्त्रीय उद्विकासवादी मानव शास्त्री हैं वो संस्कृति, किसी दूसरी संस्कृति का अध्ययन अपनी विश्व दृष्टि के अनुरूप कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी संस्कृति का अध्ययन करना है तो हमें उस संस्कृति के लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। और इसी से ऐतिहासिक के विशिष्टतावाद का डेवलपमेंट होगा, ये बात समझना है। तीसरा, फ्रेंच वास्ते यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया सांस्कृतिक सापेक्षवाद, राइट, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा। इसी क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति के बीच जब वे फील्डवर्क किए और जनजातीय लोगों के बीच उनकी भाषा में बात किए, तो जब उनकी भाषा में उन्होंने बात किया और फिर उनके दृष्टिकोण से उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं, तो फ्रेंच बोआस ने पाया कि जब हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो संस्कृति न तो निम्न है न तो उच्च है, बल्कि प्रत्येक संस्कृति विशिष्ट होती है। कैसे कि शास्त्रीय उद्विकासवादी लोगों ने क्या किया संस्कृति के संदर्भ में कि असभ्यवास्था या बर्बरावस्था जो कि जनजातीय लोग थे उनको कहा कि इनकी संस्कृति निकृष्ट है, और जो लोग सभ्यता अवस्था में थे उनकी संस्कृति को उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट है। फ्रेंच बोआस ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत इन्होंने स्थापित किया कि संस्कृति न तो उच्च होती है न निम्न होती है बल्कि विशिष्ट होती है, और इसलिए किसी समाज की संस्कृति, यानी चौथा जो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि किसी संस्कृति का अध्ययन के लिए उस संस्कृति के क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जब हम क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो चूंकि संस्कृति विशिष्ट होती है और इसलिए किसी संस्कृति का जो लोकल हिस्ट्री है, इसको अंग्रेजी टर्म आप पे यूज़ करेंगे तो आपको आराम से ये समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि चूंकि संस्कृति विशिष्ट है और संस्कृति न तो ऊंच है न निम्न है, तो सांस्कृतिक उद्विकासवाद वाले जो लोग थे जो कि संस्कृति का एक तरह से ऊंच नीच के आधार पर संस्कृति को देखने का प्रयास किए थे, और उन्होंने अपनी संस्कृति को ऊंच बताया था, और जो असभ्य अवस्था और बड़बड़ अवस्था की जो संस्कृति थी, जनजातियों की जो संस्कृति थी, गैर यूरो अमेरिकन लोगों की संस्कृति थी, उसको उन्होंने निकृष्ट के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंच वास ने कहा कि ये ऐसा इस कारण से हो रहा क्योंकि
वो लोग किसी संस्कृति का जब अध्ययन करते हैं तो ना तो उन संस्कृति के लोगों की भाषा को सीखते हैं, नहीं उन लोगों के विचार को समझने का प्रयास करते हैं कि वे लोग अपनी संस्कृति को किस रूप में देख रहे हैं। वो पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड है कि हमारी संस्कृति उच्च है और उसी के दृष्टिकोण से वे दूसरी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिलीव कर लें कि संस्कृति न तो ऊँच है न निम्न है बल्कि संस्कृति विशिष्ट है, तो संस्कृति की विशिष्टता का अध्ययन करने के लिए हमें लोकल हिस्ट्री का अध्ययन करना होगा। ध्यान ही रखना है, हमने पहले बताया कि फ्रेंच वासी बाय प्रोफेशन भोगिलवेता है, तो फ्रेंच वासी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति का उद्विकास भिन्न भिन्न रूप में हुआ है, यानी संस्कृति को हमें क्रमिक चरणों के रूप में असभ्यावस्था, बर्बरावस्था या सभ्यावस्था के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रत्येक जो क्षेत्र है उस संस्कृति का जो विकास है उसके इतिहास का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो हमें एक यूनिकनेस दिखाई देता है, सिमिलरिटी ही नहीं है संस्कृति में। यहीं से ये बात करते हैं कि प्रत्येक संस्कृति क्या है, विशिष्ट है, और मानव शास्त्रियों का जो लक्ष्य होना चाहिए संस्कृति के विशिष्टता का अध्ययन करें। तो संस्कृति की विशिष्टता का अध्ययन हम संस्कृति की विशिष्टता का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, यानी कि जब हम किसी संस्कृति का अध्ययन करते हैं और हम लोकल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह संस्कृति किस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है, उसकी विशिष्टता का हम अध्ययन करेंगे। इसी को उन्होंने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद का नाम रखा, क्योंकि फ्रेंच वास, हमने पहले भी कहा कि फ्रेंच वास ने क्लासिकल उद्विकासवादी जो मानव शास्त्र थे उनकी जो कंपरेटिव मेथड की अवधारणा थी, जिसमें वो कंपेरिजन करके और कहते थे कि संस्कृतियों के बीच समानता है, ये फ्रेंच वास कह रहे हैं कि संस्कृतियों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति के बीच समानता है, ये कह रहे हैं कि संस्कृतियों के बीच समानता कम, अंतर ज्यादा है। और ये अंतर कैसे पता चलेगा कि हम अगर लोकल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो जो चीज़ ऊपरी तौर पर दिखाई देता है कि समान है, एक समान है, वो वास्तव में उसमें अंतर दिखाई देने लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच वास ने अमेरिका के दो प्रमुख जनजाति, एक तो क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति, क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति और दूसरा नवाजो जनजाति, ये दोनों का अध्ययन किया, राइट। और ये पाते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में जो सामाजिक संगठन है गोत्र पर आधारित है, राइट। यानी समाज में गोत्र की अवधारणा पाई जाती है, क्लान की अवधारणा पाई जाती है, और दोनों ही जनजातियों का सामाजिक संगठन गोत्र पर आधारित है। तो अगर कंपरेटिव मेथड आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि चूंकि दोनों में गोत्र की अवधारणा पाई जाती है इसलिए दोनों एक समान संस्कृति है। लेकिन फ्रेंच वास कह रहे हैं कि आप एक गोत्र के उद्विकास का अध्ययन अगर दोनों में करें तो जो क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति है इसमें गोत्र का विकास समूह के विखंडन से हुआ है, समूह के विखंडन से हुआ है। एक यानी एक समूह था
और वह कई भागों में विभाजित हो गया, जिसके फलस्वरूप क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति के बीच गोत्र प्रथा का विकास हुआ, क्लान ऑर्गेनाइजेशन का विकास हुआ और यह जनजाति क्लान के आधार पर संगठित है। दूसरी तरफ उन्होंने नवाजो जनजाति में पाया कि इसमें गोत्र की अवधारणा का विकास कई समूहों के आपस में मिलने से हुआ, राइट? ये ध्यान ही रखना है। करें कि दोनों में गोत्र है, अगर शास्त्रीय उद्विकासवादियों की अवधारणा को माना जाए, कंपरेटिव मेथड को उपयोग किया जाए, तो लगेगा कि दोनों में गोत्र है, इसलिए दोनों में समानता है। लेकिन जब आप इनके गोत्र के उद्विकास यानी इनके लोकल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, इनके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करेंगे, तो हम पाते हैं कि क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति में गोत्र का उद्विकास एक समूह के कई भागों में विखंडन होने से हुआ है, जबकि नवाजो जनजाति में गोत्र का उद्विकास कई समूहों के आपस में मिलने से हुआ है। इसलिए दोनों में गोत्र का उद्विकास भिन्न भिन्न रूप में हुआ है, और इसलिए किसी संस्कृति का अगर अध्ययन आप करते हैं तो उस संस्कृति के अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक संस्कृति एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिफल है, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा के रूप में रेखांकित किया, राइट? इसी को ये ऐतिहासिक विशिष्टतावाद कह रहे हैं। यानी कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं सारा, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। और इस तरह से फ्रिंजवास ने मानव शास्त्र में संस्कृति के अध्ययन में किसी समाज के ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, उसके महत्व को स्थापित किया और उसके माध्यम से किसी समाज की संस्कृति के विकास की ऐतिहासिक विशिष्टता को समझने का प्रयास किया। तो इसे ही हम लोग ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के नाम से जानते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि फ्रेंचवास ने मानव विज्ञान में कुछ नवीन स्थापित मानदंड का निर्माण किया, और उसमें नवीन स्थापित जो मानदंड है उसमें पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रेंचवास ने यह स्थापित किया कि मानव शास्त्री अध्ययन क्षेत्र कार्य के आधार पर होना चाहिए, यानी फील्डवर्क के आधार पर होना चाहिए, और फील्डवर्क के को फ्रेंचवास ने मानव शास्त्र में स्थापित करने का प्रयास किया। उसी के साथ उन्होंने कहा कि भाषा का अध्ययन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी संस्कृति के अध्ययन का। तीसरा, उन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को स्थापित करते हुए कहा कि पहले से ही मानव शास्त्री को ये बात ध्यान में होना चाहिए कि प्रत्येक संस्कृति विशिष्ट है, और संस्कृति का अध्ययन एमिक दृष्टिकोण से यानी उन लोगों के दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने निर्जातीय जो केंद्रवाद की अवधारणा थी उसका भी खंडन किया, और इसके माध्यम से इन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन को एक नवीन दिशा देने का काम किया। तो इसी को हम लोग ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इसके अंतर्गत जब आप लिखेंगे, जनरली शॉर्ट नोट्स आता है इस पर, तो फिर उसमें थोड़ी सी आलोचना का पॉइंट भी आपको लिखना है, राइट? यानी कि इनकी जो ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा है, इसमें कमियां क्या है, इसकी आलोचना आप कैसे करेंगे? तो इसमें एक दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला, कि ऐतिहासिक नियतिवाद के शिकार हैं। ऐतिहासिक नियतिवाद यानी इनका अप्रोच को अगर फॉलो करें तो हमें ये बात पता चलता है कि संस्कृति के जो निर्माण है, संस्कृति के जो विकास है, उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भूमिका को ही महत्व देते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं।
जबकि संस्कृति के विकास में कई चीज़ों का योगदान होता है, कई बार उसके ज्योग्राफी का रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कई बार पॉलिटिकल सिस्टम जो डेवलप हो गया उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, कई बार कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो उसका बहुत रोल हो सकता है, तो एक लिमिटेशंस तो इनका ही है, राइट। दूसरा, प्रकारवादी मानवशास्त्री जो हैं वो कह रहे हैं कि फ्रेंच वास ने संस्कृति के प्रकार का अध्ययन नहीं किया, यानी कि संस्कृति क्या कार्य करती है, फंक्शन क्या करती है। जैसे मैलिनोव्स्की कहते हैं कि फ्रेंच वास ने भी लगभग उसी पैटर्न में संस्कृति किस प्रकार से निर्मित होती है, किस प्रकार से विकसित होती है, इसका अध्ययन करते हैं। फ्रेंच वास ने भी ये नहीं अध्ययन किया कि संस्कृति आखिर में मनुष्य के लिए क्या कार्य करती है, संस्कृति की क्या भूमिका है मानव समाज में, इसका अध्ययन फ्रेंच वास ने नहीं किया। और चूंकि इसका अध्ययन फ्रेंच वास ने नहीं किया इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आलोचना का पॉइंट है इसमें ये है कि अधिकांश मानवशास्त्री मानते हैं कि ऐतिहासिक विशिष्टतावाद सिद्धांत न होकर संस्कृति के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है, राइट। ये मत अप्रोच है, इसे सिद्धांत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी सोशल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सिद्धांत का निर्माण होता है, राइट। अप्रोच तो उसके पढ़ने के तरीके देखते हैं और सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, और इसलिए अधिकांश मानवशास्त्री इसको सिद्धांत मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये इनकी आलोचना है, और फिर आप एक कंक्लूजन में तैयार करेंगे कि इस प्रकार ये फ्रेंच वास द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, किंतु इन सीमाओं के बावजूद मानव विज्ञान के विकास में, मानव विज्ञान के अध्ययन में फ्रेंच वास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा के माध्यम से संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया, जो कि संस्कृति के अध्ययन में भाषा, क्षेत्रकार यानी फील्ड वर्क, सहभागी अवलोकन एवं सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को स्थापित करता है, जिसे बाद के मानवशास्त्रियों ने भी अनुसरण किया, और आज भी फ्रेंच वास की ये अवधारणा जो है संस्कृति के अध्ययन में उपयोगी है, और इसलिए फ्रेंच वास का मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, राइट। तो इस तरह से आप फ्रेंच वास के ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की जो अवधारणा है उसको तैयार कर सकते हैं।